फिलहाल हम लोग बरवाला में और बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग जी को पकड़ने के लिए सुबह से लगा हुआ है। ये मेरे उसमें आए हैं, अभी यहाँ दुकान पे मिले हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों में हम पहुँचे। जहाँ पहुँच रहे हैं पता लगता है वहाँ से अगले में पहुँच गए, वहाँ से गए वहाँ से अगले में पहुँच गए, करते करते सुबह 12 बजे से लगा, अभी 4:30 बजे मेरे यहाँ पर मुलाकात हुई है। यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लड्डू भी खाए जा रहे हैं और इस तरह के मीठा मुँह किया जा रहा है। सर, किस बात की खुशी चल रही है अब फिलहाल? ये तो विधायक जी की जीत की खुशी है जी। अच्छा, विधायक जी जीत की खुशी है? विधायक जी तो जीत चुके, बहुत समय हो गया। जो विधायक जी का अगर नुमाइंदा जीत गया, जीत ही नहीं की विधायक जीत है ये। अच्छा, हाँ, ये जीत ही नहीं, विधायक जी की जीत है ये, राम की जीत नहीं है ये। अच्छा, हाँ, तो अभी तो समय पड़ा हुआ है, 19 तारीख को वोट भी डालने, अभी से आपने खुशियाँ जाहिर करना शुरू। ये पब्लिक का रुझान बता रहा जी, ये हमारे बताने कुछ नहीं होता, पब्लिक हवा बता रही, पब्लिक की हवा बता रही। बिल्कुल, माहौल तो और भी है, बहुत सारे लोग मैदान में हैं, तो आपको कैसे लगता है कि रामकेश जी यहाँ से सीट निकाल रहे हैं? ये तो आवाज से पता चल जाए, दुकानदार हमें मारता, हजारों के आदमी मिला, हमने सभी रिपोर्ट दे, अलग अलग रिपोर्ट मिला सबकी। अच्छा, और रामकेश की 101% जीत हो रही है। 101%, बिल्कुल दावा कर रहे हो? बिल्कुल दावा के साथ। अच्छा, सबसे बड़ी बात की है जी, गरीब का साथी, जो आदमी गरीब का साथी हो उसके भगवान सुना है, और जिसमें भगवान सुना है फिर उसमें को चक्कर किंतु परंतु नहीं देना उसमें। अच्छा, हाँ जी, जो पहले तो 2-4 दिन पहले रूमर ये था कि अभी तो वो चल रहा है, पता नहीं कौन आगे है कौन पीछे, इस तरह की माहौल था, बोला चारों टक्कर में हैं, जैसे कि जो 4 कैंडिडेट की अगर बात करें वो टक्कर में, अब आप कह रहे हैं कि 100% वो जीत रहे हैं। नंबर का क्या चक्कर है जी, जो सट्टा बाजारों से पैसा फेंक दे नहीं, सट्टा वाली जो जीता जो जीत गया जीती है जी। अच्छा, जो असली रिपोर्ट है, जो गरीब तबका वोट है सब 95% राम केस के पास है, गरीब तबका वोट, थोड़े पैसे वाले ज्यादा हु कर दिया उसका फायदा कौन। जैसे आप मेन बाजार में बैठे हैं, आपके पास सामान लेने के लोग आते हैं, बातचीत होती है, दिन में 150 जो भी लोग आते हैं उनसे राजनीतिक बात तो होगी होगी, चर्चा होंगे होंगे, क्यों राजनीति का माहौल गर्म है, जो जो फीडबैक निकल के जो आया है आपको क्या लगता है, वाकई में आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सुनो जी, मेरे पास एक बंदा चल के आया आज सुबह, मतलब किसी रेडियो वाला का कोई लड़की के बारे में, लड़को उनकी लड़की बहरा किसी का रोड़ा गया उसका, बोला मैं रामकेश के पास चले गया, रामकेश गाड़ी बिठा के ले गया, पुलिस में जाकर मेरा फैसला करवा दिया, मेरा 5 BC को लागे मेरा, और तो कहना दिखा 50,000 लग गए भाई उतनी, बोला तेल गाड़ियाँ तेल भी अपने पैदे फूक दिया उसमें, ईसा भला आदमी तो बनाना चाहिए पब्लिक ने, और जो भला आदमी उसकी भगवान भी सुना पब्लिक सुनेगी। तो अभी विधायक जी आज तो आपके पीछे करते हुए मुझे कई समय, बहुत समय हो गया, 3-4 आपके प्रोग्राम थे, एक के बाद एक इस तरह चल रहे, धुआंधार प्रचार तो आप कर रहे हैं? नहीं, प्रचार तो हमारी पार्टी का कैंडिडेट है, मेरा फर्ज बनता है, पार्टी ने जो मेरी जिम्मेवारी लगाई है, अभी दोनों पार्टियां जो ये कैंडिडेट है, सरकार का कैंडिडेट है, बीजेपी जेजेपी का कैंडिडेट है, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, आपके ऊपर सारा का सारा दारोमदार है और आपने मेहनत करनी है, तो मैं तो उसी कड़ी में अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। आज हालांकि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी इशार आए हुए थे, नहीं तो राजनीतिक ये कहती है कि मुझे इशार रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं पहले अपना काम जो मेरी ड्यूटी है उसी कड़ी में मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, और आज ये देखते हो आप जो है पूरा का पूरा बरवाड़ा शहर, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा आग भाई रामकेश जो है किसी भी सूरत में किसी से पीछे होगा जी। आज जैसे अगर बात करें तो कबीर छात्रावास में प्रोग्राम है, वहाँ पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जितने भी कैबिनेट के JGP के जो मंत्री हैं सारे उनके साथ है, लेकिन विधायक जोगीराम सिहाग आपने जो प्रत्याशी है उनके लिए वोट मांगने के लिए धुआंधार प्रचार में, और कुछ रूठे हुए लोग कई बार क्या होता है राजनीति में उतर कोई ना कोई नाराज भी होता है, उनको मनाने का भी काम भी चल रहा है और साथ ही साथ अलग अलग संगठनों को जोड़ने का काम भी चल रहा है, इस पर करेंगे सर, कुछ लोग नाराज है उनको मनाने का काम और संगठन में जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम, तो कितने सिरे चढ़ गए रमेश भाई जी? हमारा ना कोई संगठन का उठा हुआ व्यक्ति है, ना कोई मैंने शहर के अंदर उठा हुआ व्यक्ति मिला। हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी साथी का जो काम होने वाला था वो नहीं हुआ मौके पे, और उसको ये पता भी है कि कारण है, उन्होंने बस इतनी बात तो बताई वो काम हुआ नहीं होगा, ऐसा तो कोई ना कोई मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है जी। और नाराज नहीं मिलेगा एक तो जो मेरे से खासकर और सरकार से जी। दूसरा मैं आज आपका बता देता हूँ, आप थे नहीं, आप जो करे ना आग मैं सुबह से अलग अलग लग रहा हूँ, आज हमारे जो समर्थन है ना आज इस तरह से, मैंने सुबह जो है एक हमारे महाराज हैं कंडूल में जो शुरू से ही जो वहाँ बैठा डेरा चल्लू कराया, तो वो मैंने उसी समय से मैं वहाँ आन जान था, वो मेरे एक किस्म से साथी हैं जी। वो 41 दिन दोनों में बैठते हैं, सुबह मैं वहाँ गया 10:30 बजे उनको दोनों आखिरी दिन था, आज बिठा के आया हूँ, उसके बाद मैं मतलब जो है धार्मिक डेरा है उसमें गया हूँ जिसका हमें पूर्ण रूप से समर्थन आ गया है, वो तो खुद देंगे अखबार में, तो लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है,
तीसरा फिर मैं मुस्लिम समाज का हमारा जो है वो इकट्ठे हुए हैं पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज ने जो है भाई रामकेश बंसल और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को समर्थन दे दिया इकट्ठे होकर जो उन्होंने भी अखबार में दिया होगा। तो इस तरह से बाकी फिर चाय पानी के जो प्रोग्राम रखे हुए थे वो किए हैं, अभी वो चलेंगे और नुक्कड़ सभाएं। तो इसलिए मुझे ढूंढना जो है ये दीगर अभी मुश्किल है, मेन रोड पे उतर नहीं होता ना तो आपको अभी भी नहीं पाता। बिल्कुल, अभी मैंने देखा गाड़ी देखते मैं तो विधायक जी की गाड़ी मैंने रोक लिया और फिर आपको नहीं तो आप मतलब ना कहीं पे तलाश कर रहे हैं जहाँ पहुँच रहे हैं उससे पहले आप निकल जाते हो वहाँ से, इतना फास्ट चल रहे हो। कहीं तो होता है ना कई बार क्या होता है कि समय देते हैं एक घंटा बैठे हैं, आप इतनी टाइम को मैनेजमेंट करके चल रहे हो, फटाफट निकल रहे हो। तो चुनाव में ऐसे ही होता है, यदि अगर चुनाव में आप एक घंटा एक जगह लगाओगे फिर क्या मतलब जो कन्वेंशन करोगे, कन्वेंशन करने का मतलब यही है कि आप जो कम समय में ज़्यादा काम करना। वैसे तो हमारे सरकार का भी यही है भाई कम मतलब जो समय कम सरकार में ज़्यादा काम करना जो होगा, तो उसी हिसाब से हमने सबने आदत बनी हुई है। तो समय पर जितना कम से कम समय हो उसमें अपना कार्य करके अगला पर लग जाओ। आपने देखते हो कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी उसी कड़ी में एक राज्य का ख़त्म हुआ अगले ही तैयारी शुरू कर देते हैं चुनाव की तैयारियां, ताकि भाई चाहे दो साल में चुनाव आना हो। तो हमारे तो इसी प्रकार से, मैं बीजेपी में रहा हूँ, जेजेपी भी उसी प्रकार से अनुशासित पार्टी है, तो काम करने का हमारा बड़ा फास्ट तरीका है। जैसे यहाँ अगर बात करें तो जैसे अग्रवाल समुदाय के लोगों के पास आप बैठे हैं और उसी तरह अग्रवाल समाज की अगर बात करें तो दो प्रत्याशी मैदान में हैं, रामकेश जी उधर से राकू जी। तो अग्रवाल समाज के आपके भी संबंध हैं, निजी संबंध भी हैं मार्केट में जो लोग हैं, तो आपको क्या लगता है अग्रवाल समाज किस ओर है? ऐसे मैं जाति पाति पर कभी बात नहीं करता जी, ना मैंने कभी की और ना करूँगा। अग्रवाल समाज का सारा समाज जो है एक है और सारा समाज के अंदर जो ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके अंदर है रामकेश को जो है बढ़त ना मिली हुई हो, या तो पूर्ण के पूर्ण रूप से साथ है नहीं बढ़त हर समाज के अंदर। तो सुनने में ये भी आ रहा है जैसे कि जातिवाद का माहौल तो चल रहा है थोड़ा बहुत, जैसे अपने उनकी बात करें रमेश बैटरी वाले, वो कहते हैं पंचायत भी समुदाय के लोग मुझे मिलेंगे, वहाँ थे बबीता हंस कहते हैं अपने बिरादरी के जो लोग मुझे वो करेंगे, इधर से दो अपने बनिए समुदाय के वो कहते हैं हमें मिलेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा ये चीज़ चल रही है। रामकेश ने आशा कहीं कहा होगा? रामकेश ने आशा एक भी शब्द कहीं नहीं कहा, अकबर मुझे अग्रवाल समाज के मिलेंगे, उन्होंने ये कहा मुझे 36 बिरादरी के मिलेंगे, 36 बरस बरादरी का मैं कैंडिडेट हूँ, मैं दोनों पार्टियों का कैंडिडेट हूँ, ये बात कहता हूँ आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ और आपका ही बीच में रहूँगा, तो आप मुझे आशीर्वाद दो। उसने कभी भी जाति पाति पे एक रमेश बैटरी वाला होगा, हो सकता है सज्जन गर्ग भी हो, उसका तीसरा आदमी भी हो जिनकी राजनीति इसी टाइप की हो सकती है, मैंने देखो मैंने उनके अभी ये देखा नहीं है। मैं वैसे कह दूँ मैंने कहीं उनका सुना हो भाई रमेश ये कहता हुआ सुना होगा मुझे पंजाबी वोट देंगे या सज्जन का सुना हो, सुना नहीं है, रूमर कह सकते हो आप, लेकिन रामकेश की मैं गारंटी दे सकता हूँ इस प्रकार से रामकेश ने कहीं भी नहीं कहा। जो रूमर फैल रहा है आपको लगता है कि ये रूमर एक हकीकत में तब्दील होगा कि जातिवाद में भी वोट बटेंगे? ऐसे तब्दील का तो वोट तो बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, तो कोई किसी न किसी को तो देगा ही, उसको आपका मीडिया का काम है क्या रंग दे वो दे देना आप उसको रंग। चलो आज फिर अभी फिलहाल की आपकी अगर बात करें किस तरह हमारे मित्तल साहब है हमारे अभी कार्यक्रम मेरे कम से कम भी 6-7-8 बचे हुए हैं, 8 कार्यक्रम मेरे अभी बाकी जी। तो जैसे नज़दीक आ गया आज 14 तारीख है, तो आपको क्या लगता है 18 तारीख तक का आपका एक तरह से कल आपको बहुत से मतलब जो है संगठनों का और इसी प्रकार से पूर्ण रूप से समर्थन जो है भाई रामकेश बंसल के पक्ष में अखबारों में पढ़ने को मिलेगा और आपकी रिकॉर्डिंग करने को मिलेगा आपने। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी को मुंह मीठा करा रहे हैं क्योंकि पहले ही जीतने की खुशी में यहाँ पर जैसे कि मित्तल साहब वो अपने जैसे कि विधायक जी यहाँ पहुँचे उसी बीच लड्डुओं के डब्बा मंगाकर मुंह मीठा किया क्योंकि विधायक जी ने को आश्वासन दिया है कि 101% जीत है बताया जा रहा है, लेकिन ये तो डब्बे खुलेंगे उसकी बात है, लेकिन वो अस्वस्थ है कि क्योंकि जो भीड़ आ रही है जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने लोगों ने इनसे बातचीत करके जो जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि रामकेश बंसल यहां से 101% जीतेंगे।